स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। अब केमिस्ट्री होती क्या है आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। इसकी सिलेबस क्या क्या होते हैं, केमिस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, केमिस्ट्री कितने बुक्स होते हैं, सारे डिटेल हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो चलो सबसे पहले जानते हैं केमिस्ट्री होता है क्या, केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है वो आज हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है। हम देखो केमिस्ट्री के डेफिनेशन लिखे हैं, आप देख सकते हैं केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। मतलब केमिस्ट्री जो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिससे हम लोग स्टडी करते हैं, मतलब अध्ययन करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे प्रॉपर्टीज कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मतलब पदार्थ की जो होती है उसकी हम लोग कंपोजिशन स्ट्रक्चर और क्या हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज, उसकी डिटेल स्टडी ही क्या कहलाता है आपका केमिस्ट्री। ध्यान से एक बार फिर से बोलना चाह रहे हैं केमिस्ट्री क्या होती है। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब साइंस की एक ऐसी शाखा है केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज कंपोजिशन और स्ट्रक्चर मैटर का, पदार्थ की स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज कंपोजिशन का जो स्टडी करेंगे जिस केमिस्ट्री में, उस केमिस्ट्री को हम लोग बोल देते हैं केमिस्ट्री। मतलब जिस साइंस के जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करेंगे उस ब्रांच का नाम है क्या है केमिस्ट्री, और उसमें केमिकल चेंजेस क्या क्या होंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे बात रह गया कि सर क्या साइंस जो बोले आप केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एलोंग विद केमिकल चेंजेस, उसमें आप केमिकल चेंजेस हुए उसके बारे में भी डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। अब बात रह गया पहला क्या है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण। अगर मैटर है हमारे पास कोई पदार्थ है, ये मैटर है, ठीक है, मैटर का प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करना है। पहला आपका क्या अध्ययन करना है मैटर का प्रॉपर्टीज, ठीक है। दूसरा में आपका अध्ययन करना है क्या कंपोजिशन, कंपोजिशन। अब मैटर का कंपोजिशन, मीटर का कंपोजिशन, कंपोजिशन के मतलब होता है, कंपोजिशन के मतलब होता है इंग्रेडिएंट का मतलब होता है हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको घटक, घटक। पहला प्रॉपर्टीज को सब मालूम है, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है क्या उसका गुण, क्या क्या होते हैं प्रॉपर्टीज, क्या क्या उसका गुण है। दूसरा में कंपोजिशन, कंपोजिशन का दूसरा मीनिंग होता है इंग्रेडिएंट, इसका मतलब होता है घटक, घटक का मतलब होता है सिंपल समझाते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आपके पास वाटर है, वाटर का मतलब हुआ H2O, ठीक है। तो वाटर में क्या क्या है, वाटर में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, क्लियर हो रहा है। तो इसमें जो वाटर को जो होगा इंग्रेडिएंट क्या क्या होगा, इंग्रेडिएंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या कंपोजिशन। जैसे फिर से एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक हम लोग सब्जी बनाते हैं, ठीक है, सब्जी बनाते हो इसमें बहुत सारे हम लोग आलू बनाते हैं, मिर्च डालते हैं, धनिया डालते हैं और बहुत सारा चीज़ डालते हैं। ये सब्जी के जो पूरा सब्जी जो सब पार्ट है हम लोग उसको बोलते थे इंग्रेडिएंट, मतलब घटक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, दूसरा हमें क्या कंपोजिशन के बारे में। तीसरा आपका है स्ट्रक्चर, तीसरा आपका क्या है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है इसका संरचना, इसकी आकार कैसी होगी, जो मैटर हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी आकार कैसी, उसका संरचना कैसे, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे प्रॉपर्टीज, तो सर प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज दो टाइप से बताएंगे। तो प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे, प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज होते हैं, पहला होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहला होता है केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज जो होते हैं आपके दो टाइप से पढ़ने हम लोग, दो टाइप से कौन कौन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज,
और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज है तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ना है, जैसे एक सोडियम है हमारा, सोडियम को वाटर के साथ हम डिजोल्व करेंगे तो बन जाएगा आपका क्या, NaOH प्लस ये हो गया H2। ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन में इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे वाटर, वाटर फ्रीज, फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। ये हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, ये आपका हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गया, फिर से एक बार बोलना चाह रहे हैं, केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक शाखा है विच डील्स विथ स्टडी, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं, और उसमें केमिकल चेंजेस क्या हुए हैं, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं क्या चेंज हुए, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज में आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। कंपोजिशन के मतलब ये बताएं, कंपोजिशन मतलब क्या होता है, ये दूसरा वर्ड इसका होता है इंग्रेडिएंट, मतलब होता है घटक। जैसे वाटर, वाटर में क्या क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। अब आ गया स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के मतलब जैसे वाटर का क्या होती है स्ट्रक्चर, उसकी संरचना क्या है, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ये था केमिस्ट्री का डेफिनेशन, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। अब केमिस्ट्री को जो देने वाला महान साइंटिस्ट थे, जिसका नाम था लेबोजियर, और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोला जाता है, तो हम लोग एक बार ध्यान से देखना है कि लिख लेना है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री जो होता है वो क्या है, लेबोजियर। जो केमिस्ट्री के पिता बोलते हैं, केमिस्ट्री के जनक बोला जाता है, वो है हमारे लेबोजियर, क्योंकि लेबोजियर की वो बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। तब केमिस्ट्री के डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, अब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन, कि कितने टाइप से केमिस्ट्री बांटा गया है, और हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में, आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कितने भाग में बांटा गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री को देखो कितने जनरली जो 3 भाग में बांटा गया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। कौन कौन पार्ट्स है, कौन कौन पार्ट्स है हमारा केमिस्ट्री का, तो हम लोग पहला पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हम लोग के सिलेबस में 3 केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग, कौन कौन, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, और क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें कितने चैप्टर हैं, हमारे सिलेबस में क्या है, नीट्स में कौन सा सिलेबस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा इजिली डील होगा, वो आज डिस्कस करेंगे हम लोग। चलो देखते हैं इसका चैप्टर क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला केमिस्ट्री आपका हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। फिजिकल चैप्टर का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें मोल कंसेप्ट भी पढ़ेंगे हम लोग, मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट, क्लियर। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्या पढ़ेंगे हम लोग, एटॉमिक या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन,
नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया आपका, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक आयनिक इक्विलिब्रियम क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर गैसियस स्टेट, क्या पढ़ोगे हम लोग, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बाद हम लोग आते हैं जो चैप्टर हमारा है वो आपका आ जाएगा थर्मो केमिस्ट्री, थर्मो केमिस्ट्री। और फिर पढ़ेंगे हम लोग थर्मो केमिस्ट्री के बाद थर्मो डायनेमिक्स, क्या पढ़ना हम लोग, थर्मो डायनेमिक्स, डायनेमिक्स, डायनामिक्स। हो गया ये सारे के चैप्टर, ये 11th क्लास का चैप्टर है। कौन कौन चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडॉक्स रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, गैसेस स्टेट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, थर्मो केमिस्ट्री और थर्मो डायनेमिक्स। यहाँ तक जो पूरा पार्ट है ये पूरा पूरा आपका कौन सा क्लास है, 11th क्लास का। अब बात करेंगे हम लोग 12th में कौन कौन पढ़ना है, जैसे आपका हो गया सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट के बाद आपके सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये के पूरा 12th क्लास का सिलेबस है, मतलब यहाँ से यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 12th के चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर है 12th में, ये सारे चैप्टर 11th है। फिजिकल में इतना चैप्टर पढ़ना है, इसे देखते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडॉक्स रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, गैसियस स्टेट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, थर्मो केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ये पूरा के पूरा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है, जो ये पांच पार्ट आपका 12th में पढ़ना है और ये पार्ट आपको पढ़ना है 11th क्लास में, ये पढ़ना आपको 11th क्लास में। लेकिन हमें एग्जाम देना है नीट और जेई का, तो हमारे सिलेबस में दोनों है, 11th और 12th दोनों चीज कवर करना है, तो हम लोग दोनों डिटेल से स्टडी करेंगे, 11th क्लास और 12th क्लास और एनसीईआरटी बेस पर लोग करते जाएंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमको मेरा छूटे नहीं एग्जाम बोर्ड में। चलो ये फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, अब हम लोग दूसरा सिलेबस लिखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग। चलो अभी हम लोग पढ़ चुके थे क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल के बाद हम लोग इनऑर्गेनिक का सिलेबस देखते हैं, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में क्या क्या इनऑर्गेनिक में, उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। तो इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल पहला चैप्टर क्या आपका, पीरियोडिक टेबल। दूसरा चैप्टर आपका होगा केमिकल बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, क्या पढ़ोगे, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, कंपाउंड। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट,
एलिमेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट एलिमेंट। ये जो पूरा जो चैप्टर है वो हमारा 11th क्लास का। अब पी ब्लॉक के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जैसे हो गया हमारा मेटलर्जी, मेटलर्जी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अब यहाँ पे भी पढ़ेंगे पी ब्लॉक, कुछ आधा पार्ट पी ब्लॉक 11th में पढ़ना है, आधा पार्ट पी ब्लॉक 12th में पढ़ना है। तो पी ब्लॉक यहाँ पे भी पढ़ेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट एलिमेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के बाद आएगा हम लोग को डी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट एलिमेंट। ये पूरा इनऑर्गेनिक का सिलेबस है, ये पूरा पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में। मत तो ये है 12th का और ये है क्या है 11th का, अरे दोनों मिला दोगे तो जेई और नीट का सिलेबस बन जाता है। मतलब जेई और नीट में जो पूछता है क्वेश्चन वो 11th से भी रहते हैं और कहाँ से रहते हैं 12th क्लास में भी रहते हैं। इन ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ईजी होते हैं, थोड़ा याद करने वाली चीजें होते हैं। तो इन ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये आपका हो गया इनऑर्गेनिक का सिलेबस। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक का, क्या है ऑर्गेनिक सिलेबस आपका, ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपका हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लियर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पैदा शिकल वो पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरेज, आइसोमेरेज। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या पढ़ोगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म मैकेनिज्म। उसके बाद पढ़ोगे क्या रिएक्शन मैकेनिज्म आपका हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में तीन चैप्टर आते हैं आपका, कौन कौन चैप्टर आते हैं, पहला होते हैं अल्केन, अल्केन। दूसरा हो जाएगा अल्की, अल्कीन। तीसरा आपका हो जाएगा अल्काइन, अल्काइन। ये तीनों चैप्टर आपको हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में क्या क्या पढ़ना, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्काल हैलाइड, मतलब हेलो अल्किन्स और हेलो एरिन्स, इसको बोलेंगे हेलो अल्काइल हैलाइड। पढ़ोगे जैसे लिखते हैं हेलो अल्केन, एंशिएंट में हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, एरिन, ठीक है। इसे बोलते हैं अल्काइल हैलाइड चैप्टर, दूसरा अल्काइल हैलाइड। कोई बुक में अल्काइल हैलाइड देता है, एनसीईआरटी में हेलो अल्किन और हेलो एरिन्स दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर वो हमारा एल्कोहल फेनोल एंड इथर, एल्कोहल फेनोल एंड इथर, इथर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कार्बोक्जिलिक एसिड पढ़ेंगे, क्या पढ़ोगे कार्बोक्जिलिक, कार्बोक्जिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, देयर डेरिवेटिव्स। उसके बाद कार्बोक्जिलिक एसिड के बाद चैप्टर है अमाइंस, अमाइंस हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या बायोमोलिक्यूल्स, और हम लोग क्या बायो मॉलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर्स, पॉली
मास एक लास्ट चैप्टर है जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। लाइफ मतलब यही है ऑर्गेनिक का पूरा सिलेबस। पहला नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोकार्बन में तीन चैप्टर अल्केन अल्किन और अल्काइन, हेलो अल्केन हेलो अरेन इसको बोलते हैं, अल्काइल हलाइड बोलते हैं हम लोग, एल्कोहल फिनोल ईथर अल्काइल हलाइड सॉरी एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव एमाइंस बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये पूरा सिलेबस हुआ केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, कितने टाइप्स की केमिस्ट्री हुआ। केमिस्ट्री थ्री टाइप्स से हम बताएं, पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ये हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, ये बारी बारी से हम लोग अभी डिटेल स्टडी की मतलब जानकारी प्राप्त की है। अब हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पहले ऑर्गेनिक पढ़ेंगे फिर इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे फिर फिजिकल, जो पहले इस पूरा मतलब केमिस्ट्री में कुछ ऐसा चैप्टर हम लोग निकाल लेंगे जिसका नाम देंगे हम लोग जनरल केमिस्ट्री, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं केमिस्ट्री में जो पूरा केमिस्ट्री में उस चैप्टर का यूज होगा। तो पहले हम लोग उस चैप्टर को स्टडी करेंगे जिस चैप्टर को हम लोग नाम देंगे जनरल केमिस्ट्री। अब यही केमिस्ट्री जितना फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में इसी से कुछ चैप्टर को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके उसका नाम देंगे हम लोग जनरल केमिस्ट्री। जनरल केमिस्ट्री का मतलब होता है कि उस चैप्टर मतलब जो जनरल केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर पूरा केमिस्ट्री में यूज होगा। आप उस चैप्टर को अगर नहीं पढ़े हैं तो आप केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, उतना अच्छा से क्लियर नहीं होगा। तो कुछ चैप्टर का नाम लिखते हैं कि किस चैप्टर को रखा गया है जनरल केमिस्ट्री में और उसको हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल के बारे में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में भी हम बताए थे केमिस्ट्री तीन टाइप से होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक आपका था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यही केमिस्ट्री में जो चैप्टर लिखे उसी से हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिसको नाम देंगे हम लोग जनरल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम लोग नाम देंगे जनरल केमिस्ट्री, किसको देंगे हम लोग जनरल केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री। जनरल केमिस्ट्री में कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे सो बताइए सर। जनरल केमिस्ट्री में जो अभी लिखे हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल में, ये तीनों में से कुछ चैप्टर हम लोग निकाल करके जनरल केमिस्ट्री में रखते हैं, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे हम लोग पहला पढ़ेंगे जनरल केमिस्ट्री में, ये हो गया आपका केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग ठीक है, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये चार चैप्टर जो है हम फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से हम लोग निकाले हुए हैं। इस चैप्टर में जो है ये जनरल केमिस्ट्री इसलिए नाम देते हैं कि ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री के सभी पार्ट में इसका अप्लीकेशन यूज होते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं जनरल केमिस्ट्री। इसलिए इसके बारे में हम लोग पहले स्टडी कर लेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद हम लोग चैप्टर में आराम से हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, फिर फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस करेंगे।